चुनावी रणनीति बुनने में माहिर प्रशांत किशोर के अच्छे दिन आ गए हैं। जब से आंध्र में जगनमोहन रेड्डी को बम्पर जीत मिली है, पीके की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले ममता बनर्जी का न्योता आया, कहते हैं ममता ने बंगाल के चुनावी व्यू रचने गढ़ने का कार्य पीके को सौंप दिया है। अब चंद्रबाबू नायडू ने भी उन्हें याद किया है। पीके के बंगाल जाने पर सवाल उठाने वाले जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक को नीतीश ने छुट्टी कर दी है। विश्वस्त सूत्रों के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो पिछले हफ्ते जब पीके दिल्ली में थे तो उन्हें प्रियंका गांधी का फोन गया और पुराने गिले शिकवे भुलाकर मिलने मिलाने की बात हुई। कहते हैं यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान ही कुछ ऐसी बातें हुई कि प्रियंका ने पीके के फोन लेने बंद कर दिए थे। सूत्रों की माने तो इस दफे प्रियंका बैकफुट पर थी और वह पीके को मनाने वसंत कुछ स्थित उनके घर जा पहुंची, जहां दोनों के बीच कांग्रेस की भावी रणनीतियों को लेकर लंबी बातचीत हुई। उस मुलाकात में पीके ने यह भी दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस उनकी वजह से जीत पाई थी। खैर, जब दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हुए तो पीके ने जानना चाहा कि आखिर कांग्रेस ने यक बयक उनसे किनारा क्यों कर लिया था। इस पर कहते हैं प्रियंका ने कहा कि हमें पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, प्रियंका ने पीके से जरूर कहा कि ऐसी मुलाकातों की खबरें मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। प्रियंका ने पीके को याद दिलाया कि यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने जब अपने होटल में पीके को डिनर पे आमंत्रित किया था तो यह खबर तब आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। सूत्रों की माने तो सुप्त प्राय कांग्रेस में एक नई जान फूंकने के लिए पीके तैयार हो गए हैं, पर इसके एवज में जो उन्होंने कांग्रेस से एक भारी भरकम फीस मांगी है, इस बारे में पार्टी को अभी सोचना होगा। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।